हम लोग इस समय खड़े हैं, पीछे आप देख सकते हैं ये सरदार सरोवर बांध की जलराशि है। सरदार सरोवर बांध का विस्तार यहाँ से बड़वानी तक हुआ है। हम लोग ककराना से 3-4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ककराना से इस मोटरबोट के माध्यम से हम लोग यहाँ आए हैं और ये गांव जो ऊपर देख पा रहे हैं एक घर है, ऐसे कुछ घर यहाँ पर बन रहे हैं। और ये खारिया बादल गांव है जो बड़वानी ज़िले में आता है। बड़वानी ज़िले का कटा हुआ गांव, जहाँ पर मोटरबोट से ही आने का रास्ता है, सड़क है लेकिन पीछे दूरी पर है, 5 किलोमीटर दूरी सड़क मिलती है इस गाँव को। सामने का हिस्सा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये सीमा है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। सामने का हिस्सा महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का बादल गांव है। महाराष्ट्र के बादल गांव में अभी तक बिजली नहीं आई है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और सोलर पंप कुछ जगहों पर लगे हैं बादल गांव के लोग, जो कि संसदीय क्षेत्र नंदूवाड़ा में आता है। और इसके सामने का जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये सामने का हिस्सा ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में है। अलीराजपुर का जो हिस्सा है यहाँ पर लोग अलीराजपुर के लिए वोट करते हैं, सीट इनकी झाबुआ पड़ती है। ये 3 की सीमा है और इसके पीछे बड़वानी जिला जो कि हम पहले जा चुके हैं। और सामने की तरफ आप देखेंगे अलीराजपुर खत्म होने के बाद कुछ ही किलोमीटर आगे जो पहाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं वो गुजरात की सीमा में हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों सीमाएं आप सामने देख सकते हैं। 3 सीमाओं के राज्य की जगह पर हम खड़े हैं और ये पूरा पानी इसको बताता है किस तरह सीमाएँ इस नदी में आके मिलती हैं।